मंदसौर में गत दिवस भारी बारिश के चलते कोलवा और डोडिया मीणा के बीच शिवना नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन बाधित हुआ। इस आवागमन के बाधित होने से कई गांवों का संपर्क, जो कि जिला मुख्यालय मंदसौर से काफी सीधा था, वह बंद हो गया। इससे क्षेत्र के ग्रामीण जनों को बहुत परेशानी हुई। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए खैर प्रशासन द्वारा ये मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर एहतियातन बंद कराया गया था, लेकिन मंगलवार को ग्राम पंचायत कोलवा और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मार्ग को फिर से अस्थायी तौर पर सुगम किया गया। यहाँ क्षतिग्रस्त हिस्से में मिट्टी के मलबे का बेहतर भराव कर पुल को सही किया गया और मार्ग को चालू करवाया गया। खैर फिलहाल अस्थायी रूप से मार्ग चालू हुआ है। बता दें कि क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी टल चुका है। वहीं शिवना का उफान भी शांत है। तब तक सावधानी पूर्वक वाहन पुल से गुजर सकेंगे ताकि आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं ये भी बता दें कि सरकार द्वारा इस पुलिया निर्माण की मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा। इसके बाद क्षेत्रवासियों को मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक पुल की सौगात मिलेगी, जो कि बाढ़ बारिश से होने वाली हर बार की समस्या से पूरी तरह निजात देगी। मंगलवार को पुलिया के क्षतिग्रस्त हिस्से में भराव के दौरान क्षेत्र के जनपद सदस्य डॉक्टर लालचंद गुर्जर, ग्राम पंचायत कोलवा के सरपंच श्रीमती पिंकी नितेश चौहान, उप सरपंच दशरथ गरासिया, पंचायत सचिव कैलाश चौहान, सहायक सचिव पप्पू सूर्यवंशी सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान ग्राम पंचायत कोलवा ने पुल से गुजरने वाले समस्त वाहन चालकों से अपील भी की है कि फिलहाल ये अस्थायी व्यवस्था है। यदि पुल को पार करते समय किसी तरह का खतरा दिखाई पड़ता है तो पुल को पार ना करे। वहीं खास तौर पर बारिश के समय कोई भी पुल से ना गुजरे। सभी वाहन चालक बड़े सावधानी पूर्वक इस पुल से गुजरे। ये पुलिया जो अभी बारिश के कारण पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लगभग बाइक दो पहिया वाहन निकलने काबिल नहीं थी, और मैंने और ग्राम पंचायत के माध्यम से ये पुल का भी जो वर्तमान में भराव करवाया गया है, अभी फ़िलहाल दो पहिया वाहन और एक कार निकल सकती हैं, लोडिंग वाहन इधर नहीं निकल सकते। जी, मैं समस्त क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ, इस पुलिया पर भारी वाहन लेकर नहीं आए। ये पुलिया मतलब दो पहिया वाहन और चार पहिया यानी इमरजेंसी वाहन के लिए ही हैं। अभी फ़िलहाल क्षतिग्रस्त हुई हैं तो इसका काम सुचारू रूप से अभी नहीं चला है। भारी वाहन बिल्कुल निषेध है, इस पे दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन की अनुमति है अभी फ़िलहाल। मंदसौर से रविशंकर धाकड़ की रिपोर्ट।